जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर है ये है कि टी आर ए थ्री का एग्ज़ाम जो अगस्त में होने वाला था अब वो आपको मार्च में ही हो जाएगा फरवरी यानी कि बारह से पंद्रह फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लगभग एक लाख वैकेंसी ऐसा बोला जा रहा है कि एक लाख वैकेंसी आएगी और उसके बाद मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट करा के अप्रैल मई में आपको स्कूल भी दे दिया जाएगा और आप ज्वाइनिंग कर लेंगे लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये है कि जैसे अगस्त अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले एक बार आपको एस्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है और उसका एग्ज़ाम आपको मार्च में होने की चांसेस है तो क्या वो एस्टेट कैंडिडेट जो कि अभी अपेयरिंग है जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है एस्टेट का क्या वो एलिजिबल होंगे बी पी के लिए अगर 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 उससे पहले टी आर थ्री का एग्ज़ाम हो जाता है और एस्टेट वालों को मौका नहीं मिलता है जो अभी अपेयरिंग है तो ये बहुत ही गलत होगा सबसे पहले एस्टेट क्वालिफ़ाई कराना होगा बच्चों को क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल बहुत सारे अपेयरिंग कैंडिडेट थे जिसको कि एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे मतलब कि उसको मौका नहीं मिला था और उसके बाद ये लोग अभी एस्टेट फॉर्म फिल करवाएं दिसंबर में और जिसका एग्ज़ाम मार्च में होगा तो अगर अपेयरिंग एस्टेट वाले को मौका मिल जाता है तो फिर ठीक है या फिर आप पहले एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाइए एस्टेट एग्जाम कंडक्ट कराइए उसके बाद ही बीपीएससी टीआरई एस थ्री का एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए देखिए जल्दबाजी में ऐसा निर्णय फिर से ना लिया जाए जिससे कि छात्रों को ही नुकसान होगा तो जितना जल्दी हो सके एस्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो एस्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद ही आपको बी पी एस सी टी आर थ्री का एग्ज़ाम होना चाहिए और नहीं तो फिर अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए बिल्कुल नहीं तो बहुत ही गलत हो जाएगा बहुत सारे ऐसे छात्रों के साथ जिसका एस्टेट क्वालिफाई नहीं है या फिर जो अपेयरिंग है क्योंकि देखिए मौका सभी को मिलना चाहिए और पता नहीं फिर बी पी एस सी टी आर ई थ्री के बाद अगस्त में होगा या नहीं होगा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो टी आर थ्री आपको अभी हो जाएगा मार्च में उसके बाद अगस्त में भी कुछ वैकेंसी लगभग बीस से पच्चीस हज़ार वैकेंसी आएगा जिसको टी आई फोर के नाम देकर आपको वैकेंसी लाएगी सरकार ठीक है क्योंकि फिर आपको विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ना है लेकिन उससे पहले मैं यही चाहूँगा कि एस्टेट वाले को अपेयरिंग वाले को मौका मिले या फिर उससे पहले एस्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए कंडक्ट हो जाए फिर जाके बी पी एस सी टी आर ई थ्री का एग्ज़ाम हो जिससे कि और नए छात्रों को मौका मिले बाकी देखना होगा कि नोटिफिकेशन आपको बारह से पंद्रह फरवरी को आ जाएगा तो उसमें अपेयरिंग वाले को मौका मिलता है या नहीं मिलता है या फिर एस्टेट का एग्ज़ाम कब होता है तो जितना जल्दी हो बिहार सरकार ये करे तो ज़्यादा अच्छा है नहीं तो फिर वही होगा अपना पॉलिटिक फ़ायदा लेने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे छात्र फिर वंचित रह जाएंगे जो बी पी एस सी नहीं दे पाएंगे अपना नाइन टेन और इलेवेन्थ ट्वेल्थ को एस्टेड के बेसिस पे बस यही आपसे कहना था मैं चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं शेयर करें और आप बोले कि अपेनिंग वालों को भी मौका मिलना चाहिए नहीं तो बहुत फिर गलत हो जाएगा नए छात्रों के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू और